तो दोस्तों ये मैच राजस्थान और दिल्ली के बीच में खेला गया, जहां पे दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। राजस्थान का शुरुआत अच्छा हुआ नहीं, जहां पे यशस्वी जायसवाल और जोस बटलर काफ़ी सस्ते में निपट गए। उसके बाद स्ट्राइक पे आए रविचंद्रन अश्विन और देवदत्त पदिकल, दोनों ने मिलकर काफ़ी अच्छी साझेदारी की, जहां पे अश्विन ने 38 बॉलों में 50 रन की पारी खेली, जिसमें 2 छक्के और 4 चौके शामिल थे। उनका साथ देते हुए देवदत्त पदिकल ने भी 30 बॉलों में 48 रन बनाए, जिसमें 2 छक्के और 6 चौके शामिल थे। इस तरह राजस्थान ने 6 विकेट खोकर 160 रन का टारगेट दिया दिल्ली को। दिल्ली की भी शुरुआत अच्छी हुई नहीं, जहां पे सरकार काफ़ी जल्दी आउट हो गए, जिसके बाद डेविड वॉर्नर और मिचेल मार्श ने अच्छी साझेदारी करते हुए मिचेल मार्श ने 62 बॉलों में 89 रन ठोक डाले, जिसमें 7 छक्के और 5 चौके शामिल थे। उनका साथ देते हुए डेविड वॉर्नर ने भी 41 बॉलों में 52 रन की पारी खेली, जिसमें 1 छक्के और 5 चौके शामिल थे, जिसके बदौलत दिल्ली ने 18.1 ओवरों में ही मैच जीत लिया। और मैच के हीरो हैं मिचेल मार्श, जिन्होंने 89 रन की पारी खेली थी 62 बॉलों में, जिसमें 7 छक्के और 5 चौके शामिल थे। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया दोस्तों।